हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हिमाचल प्रदेश में फोर लेन सड़कें बनाने का काम जोरों से चल रहा है। चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली, पठानकोट मंडी, शिमला कांगड़ा व पिंजौर बद्दी नालागढ़ सड़कों को फोर लेन बनाने का काम प्रगति पर है। इसके अलावा आने वाले समय में होशियारपुर अंब नादौन, ऊना अंब, चंडीगढ़ पांवटा साहिब, देहरादून जैसे नेशनल हाईवेज को भी फोर लेन में बदलने की योजना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीरतपुर मनाली फोर लेन रोड की, जो इस साल अगस्त महीने से ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। हालांकि कीरतपुर से मनाली तक पूरा फोर लेन अभी तैयार नहीं हुआ है और सिर्फ नेरचौक तक का स्ट्रेच ही ठीक से ट्रैफिक के लिए खुला है। इस वीडियो में हम इस नए फोर लेन प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अभी हम हैं पंजाब के कीरतपुर साहिब में। कीरतपुर साहिब चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से मनाली का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है और हम भी अपनी वीडियो यहीं से शुरू करने वाले हैं। शिवालिक फुटहिल्स के करीब पंजाब के रूपनगर ज़िला में स्थित कीरतपुर दो नेशनल हाईवेज का जंक्शन है। एक तो ये फ्लाईओवर से राइट को चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाता नेशनल हाईवे है और दूसरा सीधे NH 503 है, जो कीरतपुर से शुरू होकर आगे नंगल, ऊना व कांगड़ा होते हुए धर्मशाला तक है। चंडीगढ़ से कीरतपुर तक का रोड कई साल पहले फोर लेन बन गया था, लेकिन इससे आगे मनाली तक का रोड डबल लेन था और रास्ता एकदम पहाड़ी। ये रोड हिमाचल का सबसे व्यस्त हाईवे था। बढ़ते ट्रैफिक के दबाव की वजह से यहाँ फोर लेन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। कीरतपुर से बिलासपुर और आगे मंडी तक इतने ट्रक और हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक होता था कि चंडीगढ़ से मंडी पहुंचने में ही 6 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते थे, लेकिन अब इस फोर लेन की वजह से ये राहें काफ़ी आसान हो गई हैं। कीरतपुर से मनाली फोर लेन को 5 फेसेस में बांटा गया है। पहला कीरतपुर से नेरचौक, दूसरा नेरचौक से पंडोह, तीसरा पंडोह से टकोली, चौथा टकोली से कुल्लू और पांचवा कुल्लू से मनाली। इनमें से पहले 4 फेज फोर लेन बन रहे हैं और पांचवा फेज डबल लेन रहेगा। पांचवा फेज यानी कुल्लू से मनाली वाले स्ट्रेच को कम ट्रैफिक की वजह से फोर लेन करने की बजाय वाइड डबल लेन बनाने का फैसला लिया गया था और इसका काम 3-4 साल पहले पूरा हो गया था। चौथा फेज टकोली से कुल्लू पिछले साल से ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है और अब पहला फेज कीरतपुर से नेरचौक भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब इस हाईवे के 5 में से 3 फेज ट्रैफिक के लिए ओपन हैं। बस दूसरे और तीसरे फेज यानी नेरचौक से पंडोह और पंडोह से टकोली स्ट्रेचेस का काम अभी चल रहा है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पहले फेज कीरतपुर से नेरचौक की बात करेंगे, जो कि 85 किलोमीटर लंबा है। तो अब बढ़ते हैं कीरतपुर से नेरचौक की ओर। कीरतपुर से मनाली की दूरी पहले 235 किलोमीटर थी, जो इस फोर लेन से 195 किलोमीटर की रह जाएगी। सबसे बड़ा अंतर तो ट्रैवल टाइम में आएगा। पहले चंडीगढ़ से मनाली 8 से 10 घंटे लगते थे, वहीं अब ये दूरी 5 घंटों में तय करना संभव हो गया है। चंडीगढ़ से मंडी भी 5 से 6 घंटों का समय लगता था, लेकिन अब 2.5 से 3 घंटों में मंडी पहुँच जाते हैं। हाईवे ओपन हो गया है तो टोल बैरियर्स भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहला टोल यहाँ गरामोड़ा में है और यहाँ पर गाड़ी का टोल 150 रुपये है। थोड़ा आगे जाने पर फिर हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है और पहाड़ी रास्ता भी।
यहाँ हिमाचल एंट्री का अलग से टैक्स लिया जाता है जो गाड़ी के लिए 50 रुपये है। हिमाचल रजिस्टर्ड गाड़ियों को वैसे यहाँ पर एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती। कुल मिलाकर कीरतपुर से मनाली के बीच 4 टोल प्लाजा हैं। एक ये पीछे गरामोड़ा में था, दूसरा आगे बिलासपुर के बलोह में है, तीसरा टोल प्लाजा मंडी के बाद टकोली में आता है और चौथा टोल प्लाजा है कुल्लू से मनाली के बीच डोहलू नाला में। चारों टोल प्लाजा का वन वे टैक्स मिलाकर कुल 400 रुपये के करीब बन जाता है। हिमाचल एंट्री करने पर अब हम पहुंच गए हैं ज़िला बिलासपुर में और यहाँ पहाड़ी संस्कृति को दर्शाती हुई एक सुंदर इंस्टॉलेशन भी है। आगे चलकर आता है कैंची मोड़, जो कि कीरतपुर से 14 किलोमीटर दूर है और इस हाईवे पर सबसे बड़ा बदलाव भी यहीं से हुआ है। पुराना नेशनल हाईवे यहां कैंची मोड़ से राइट में स्वारघाट होते हुए था, लेकिन अब फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए इस पहाड़ के बीच से टनल बना दी गई है और रोड की अलाइनमेंट यहाँ से पूरी चेंज हो जाती है। और इस हाईवे की सबसे बड़ी दिक्कत भी यहाँ स्वारघाट से बिलासपुर वाले स्ट्रेच पर ही थी, जो कि काफ़ी लंबा और थका देने वाला था और ऊपर से इतने ट्रैफिक में जाम और दुर्घटनाएं तो आम सी बात थी। लेकिन यहाँ इस टनल के रास्ते से इस हाईवे की दूरी काफ़ी कम हो गई है। जहाँ पहले कीरतपुर से बिलासपुर के लिए 2 घंटे का वक्त लग जाता था, वहीं अब इस नए 4 लेन से 1/2 घंटे में बिलासपुर पहुँचना संभव हो गया है। टनल की एंट्री पर सुंदर ग्रैफिटी और हिमाचल प्रदेश आगमन का स्वागत संदेश भी लिखा है। यहाँ इस टनल से लेफ्ट में रोड ऊपर श्री नैना देवी जी व भाखड़ा डैम की ओर जाता है। और अब हम चलते हैं टनल के अंदर। मनाली तक इस हाईवे पर कुल 14 टनल्स बनेंगी और पहले फेस यानी कीरतपुर से नेरचौक तक 5 टनल्स हैं। ये टनल नंबर 1 है और ये वैसे तो 4 लेन है, पर अभी इसकी एक ही साइड खोली गई है। दूसरी टनल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और यहाँ इस टनल में धूल भी काफ़ी है। इस टनल की लंबाई 1800 मीटर है। जल्दी ही फिर हम टनल के उस पार पहुंच जाते हैं, मतलब इस हाईवे का सबसे बड़ा शॉर्टकट यही है। वरना ये पूरा पहाड़ चढ़कर स्वारघाट पहुंचना होता था और फिर गंभर पुल से होते हुए मुश्किल से नौणी पहुंच पाते थे, लेकिन अभी तो बस 15 मिनट में ही नौणी आ जाएगा।